मैं आपसे ये कहना चाहता था, जूस पिला दो मोसंबी का। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इन्होंने मेरे को जेल में इसीलिए डाला था ताकि दिल्ली के काम बंद कर दे, लेकिन शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई है इन लोगों को कि क्यों पकड़ा था, पूरी गिरफ्तारी इलीगल थी। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे। नहीं कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे जो फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे, मम्मी 200 वाली थी यही बोलेंगे। एक हिरण ही है जो हमेशा से असुरों के नाश का कारण बनता हुआ आया है, सतयुग में भी और अब कलयुग में भी। जय श्री। अब तक जर्मन शेफर्ड ने बिश्नोई भाई पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, ऐसे में कैसे क्रांति आएगी चमचो। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बाहर भगा दिया जाएगा, ये कहना है असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी का। यदि आप भी हेमंत बिस्व शर्मा जी की बात से सहमत हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा, जो आज देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे बैठे हैं ना, उनको भी अपने आप देश छोड़ने पर वो मजबूर हो जाए, उन्हें सीधा साधा मत समझिएगा। योगी बाबा से एक कदम आगे है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुलिस जांच करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन क्या सवाल और क्यों सवाल, आप होते कौन है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आलमगीर अपनी शक्ल से, अपने हुलिये से, दाढ़ी से, टोपी से पहचाने जा रहे थे और दाढ़ी टोपी देखकर ही आपको गुस्सा आता है। आपका नाम बताइए। अनिल चावला। ये दुकान आपकी है? ये क्या, किस चीज की दुकान? कपड़े की दुकान है मेरी। आप सब लोग यही आसपास दुकानदार हैं? सभी दुकानदार हैं। ये आप बीजेपी के नेता लग रहे हैं शायद? ये सिख हैं जी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा चलो बीजेपी कोई नेता जी भी आ गए। सिख है ये, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप बिहार में रहते हैं, संयोग से हिंदू हैं और नहीं जाग पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपको जगाने के लिए आए हैं गिरिराज सिंह। बिहार में करीब 3.25 करोड़ लोग गरीब हैं, बेहद गरीब, महीने में 6,000 से भी कम कमाते हैं। जाहिर है इनमें से ज्यादातर हिंदू ही होंगे। इस गरीब बिहार को केवल धर्म के आधार पर क्यों जगाया जा रहा है? इनमें से जो हिंदू हैं, वो हिंदू जगाओ यात्रा के बाद क्या 6,000 की जगह 60,000 रुपया महीना कमाने लग जाएंगे? क्या इनमें जो हिंदू हैं वो जाग जाएंगे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल जाएगी? गजा में लाए गए इस अकाल को हम उस देश में कैसे रिपोर्ट करें जहां की 81 करोड़ लोगों को 35-35 किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिल रहा है, अगले 5 साल तक मिलने की गारंटी दे दी गई है, आपके शरीर में कुपोषण नहीं फैला है, लेकिन गजा के नवजात बच्चों की बाहें सूख गई हैं, ककड़ी हो गई हैं, आंखें धस गई हैं, इतना बता देने से भारत की जनता में भावनाओं का सैलाब फट पड़ेगा, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। इन्हें पता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात इंडिया में लोग गजा के बच्चों के लिए मार्च नहीं कर रहे हैं, मार्च नहीं करेंगे। हरियाणवियों ने खालिस्तानियों के नाक को दम कर रखा है भाई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये लोग आतंक मचाया करते थे, हमारे तिरंगा का अपमान किया करते थे, लेकिन हरियाणवियों ने ठान लिया कि आपके तिरंगे के झंडे का जो डंडा होता है वो इनके वहाँ पे डालना है। इस वीडियो को देखो, कुछ खालिस्तानी निकले थे सड़कों पर, मुंह छुपा छुपा कैसे भाग रहे हैं। साल 2025 भारत के इतिहास में वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी सरकार 2025 में जनगणना करवाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जनगणना में मुसलमानों की जातियों की गणना भी की जाएगी, साथ ही जातीय जनगणना भी होगी, और कांग्रेस और पूरे विपक्ष का मुंह भी बंद होगा। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार 1931 में जाति जनगणना करवाई थी, तब देश में 4,147 जातियां थी, और 2011 में कांग्रेस ने जाति जनगणना करवाई थी,
तब भारत में 86 लाख जातियां थी। वो अलग बात है, कांग्रेस ने यह बात बताई नहीं। लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक दुर्दांत अपराधी है, यह अलकायदा और पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यदि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इजाजत दें तो भीम सेना इतनी ताकत रखती है कि मात्र 2 घंटे 4 मिनट में हम लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। पूरी दुनिया से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नामो निशा मिटा दिया जाएगा। भाई गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, इस हवाबाज को एक बार मौका दे ही दो, हमें भी तो इसका पिछवाड़ा फटते हुए देखना है। इस हवाबाज पर 20 आदमी तो इकट्ठे होते नहीं और बात करता है बिश्नोई गैंग को खत्म करने की। भाई गृह मंत्री अमित शाह जी से खास रिक्वेस्ट है कि एक बार इस हवाबाज को मौका दे ही दो। जय श्री राम। एजाज खान मेरे भाई, मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ कि बिग बॉस वाले नहीं बुलाएंगे भाई तुमको। बिग बॉस के मेकर्स को एलविश यादव ने सब बता दिया है कि ये नकली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ये, और पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि भाई तुम्हें बिग बॉस में अब दोबारा जाना है, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो ओरिजिनल और रियल कॉन्टेंट क्रिएटर को बुलाते हैं। मैं भी बिग बॉस में जा चुका हूँ भाई, उन्हें भी पता लग चुका है मेकर्स को कि भाई तुम नकली कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो। बेकार में अपना काम वाम कर लो, बेकार में घर भर चला लो भाई, LIC वेलआईसी करा लो, बेकार में क्या फायदा इतनी लड़ाई झगड़े करने का, बेकार में बुढ़ापे में काम आएगा पैसा भाई। मेरे पास भी काम नहीं है, मैं भी खाली बैठा हूँ, मेरे को कोई दो रोटी कोई काम में हो तो मुझे भी बताओ, कोई धंधा पानी हो तो। बेकार है ये एलविश यादव तो वेला आदमी है, इसके चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है भाई, ये तो खाली आदमी है, इसको क्या करना है, इसका तो चल ही रहा है जुगाड़। बेकार में तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, उल्टा कोई 2 पैसे का धंधा पानी बताओ, मुझे भी बताओ, तुम भी जो 2 पैसे कमाए, ये क्या फायदा है इसे कंट्रोवर्सी करने का। मुनावर एलविश, मैं तुम लोग को सुबह से फोन कर रही हूँ, जब से मतलब मेरा फोन ही काट रहे हो। ये काट रहा था, ब्लॉक भी कर दिया तुम्हारे को। Why? मैं कह रहा हूँ आप फिर भी आ गए फोन काटने के बाद। अखंड बेइज्जती। दूसरी बात बराबर है ना, बिश्नोई समाज से तो हमारा कुछ है नहीं, इतना करेक्ट समाज है आपका। अगर आपका बिश्नोई समाज का अगर दिल दुखा है तो मैं आपके समाज से माफी मांगूंगा, मैं लॉरेंस से नहीं माफी मांगूंगा। साले तू मेरे पर मिल गया ना, माँ कसम तेरा भुर्ता बना दूंगा। हमारे राम और श्याम का मजाक बनाता है भाई, हमारी देवी माता का मजाक बनाता है और कहता है कि मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकला, साले तुम्हारे हमारे जन्म के लिए मुंह से गलत निकलता है, तुम अपने हैं। Hey, I can't look at this. दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी मार्डलेना का बयान आता है कि इस बार आप पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे, तो कैसे मनाएंगे आप दिवाली? मैं तो कहता हूँ भारत के हर हिंदुओं से जो दिवाली में बहुत जोर से आतिशी करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उनको कहता हूँ कि दिल्ली आओ और दिल्ली में इतने बड़े बड़े बम केजरीवाल के नीचे रख करके फोड़ो कि केजरीवाल चुनाव तक रहे ही ना, केजरीवाल चुनाव से पहले नहीं पड़ जाए। लॉरेंस आगे क्या करेगा भाई? लॉरेंस ने ना अपना करियर चेंज कर लिया है और अब वो मूवी बनाने वाला है और उस मूवी का नाम वो रखने वाला है टाइगर कब तक जिंदा है। बाबा सिद्दीकी को जन्नत पहुंचाने की जिम्मेदारी जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने ली तो बिहार का एक बूढ़ा शेर जागा और दहाड़ते हुए बोला, भारत सरकार अगर उसे फ्री हैंड दे तो 24 घंटे में बिश्नोई की दुनिया से विदाई करवा देगा। लेकिन 2 दिन बाद जब एक पत्रकार ने उस शेर से पूछा कि लॉरेंस पर आप कुछ कह रहे थे तो उनका जवाब आया, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। फिर बिना मूछ वाले इन भाईजान का वीडियो आया जिसमें भाईजान खुद को अंडरवर्ल्ड का शार्क बताते हुए मूछ वाले लॉरेंस बिश्नोई को तालाब की मछली बता रहे थे। लेकिन 2 दिन बाद फिर यही बिना मूछ वाले भाईजान ने अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा कहा, फिर एक्सप्रेशन विहीन एक्टर और बिना सिर पैर की बात करने वाले कमाल खान आए और लिखे कि कौन है बिश्नोई, चल हवा आने दे। और फिर दूसरे दिन ही बिश्नोई की बोतल में बिश्नोई नाम लिखकर पोस्ट किया कि ये तो नया ब्रांड है, सबको ठंडा कर देगा। और अब हमारे शूरवीर महावीर परम वीरों के वीर भीम सेना के प्रमुख सतपाल तंवर ने, जिन्होंने कभी नूपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को 1 करोड़ देने की बात कही थी, आज बिश्नोई को छपरी कहते हुए गृह मंत्री से 2 घंटे 4 मिनट मांग रहे हैं ताकि देश की जनता को बिश्नोई और उसके गैंग के आतंक से बचा सके। अरे आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए, 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। खैर पप्पू यादव, कमाल खान और बिना मूछ वाले इन भाईजान की हालत देखकर अब मुझे सतपाल भैया के लिए शोले फिल्म का ये डायलॉग याद आ रहा है। बाकी आप लोग इनके वीडियो को मोटा भाई तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, हो सकता है जो काम ये तीनों नहीं कर पाए हमारे सतपाल भैया कर दे। राधे राधे। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार है।
और ये मामला इसलिए गया हाई कोर्ट में, एक व्यक्ति ने पहले दो शादी कर रखा था, दोनों को रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था, उसके बाद उसने तीसरी शादी किया और जब तीसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने नगर निगम में गया तो महाराष्ट्र की नगर निगम ने कहा कि आप तीसरी शादी नहीं कर सकते, तीसरी खबर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी का मूल कारण ये है कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 से PIL चल रही है चार शादी रोकने की मांग को लेके, न उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और न तो संविधान के आर्टिकल 44 को लागू किया गया। आर्टिकल 44 कहता है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होगी, सबके लिए एक कानून होगा। आज की डेट में चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, बहाई हो, यहूदी हो, कोई भी अगर एक से दूसरी शादी कर ले तो उसको 7 साल की सजा होगी। लेकिन 1937 का जो शरीयत एक्ट है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, पूरी तरीके से वो पुरुषों के पक्ष में है, जो उनको पूरी छूट देता है, हलाला करने की छूट देता है, चार शादी करने की छूट देता है, मुताह करने की छूट देता है, मिसयार करने की छूट देता है, तहरुस करने की छूट देता है। 1937 का शरीयत उनको ट्रिपल तलाक करने की भी छूट देता था, लेकिन चलिए अब तो बंद हो गया, 3 तलाक बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद 4 तरीके का तलाक चल रहा है। तलाक हसन चल रहा है, तलाक अहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है, और इसका समाधान दो ही जगह से निकलेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या तो संसद से निकलेगा। अब भी जज भेजिए, देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा काका। बिल्कुल। और लॉरेंस बिश्नोई की जो वाइफ है वो मेरी बहन है, मेरी बच्ची टाइप है। आप ऑर्डर क्या कर रहे हो? You are ordering पूरी छोले। पूरी छोले। मनीष सिसोदिया यहाँ पे आए थे बिफोर ही वेंट टू जेल, तब उन्होंने बोला था कि उनको यहाँ का आलू बिरयानी बहुत पसंद है, और हमने जब थोड़ा डिग इन किया ना तो वी केम टू नो कि ये जगह भी आम आदमी पार्टी के लीडर ही ओन करते हैं, तो काइंड ऑफ उनके फ्रेंड की जगह है, तो काइंड ऑफ उन्होंने बहाने बहाने से अपने दोस्त का प्रमोशन भी कर दिया और अपनी फेवरेट डिश भी बता दी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ले मनीष सिसोदिया का फेवरेट है ना, आए थे ना यहाँ पे हमारे हाँ, उन्हीं के साथ में रहते दोस्त है। आप किसकी साइड हो? बीजेपी। क्या ये क्या अच्छी बात है सर। और सर बेदमी पूरी कैसी लगी आपको? बेदमी पूरी मुझे बहुत बढ़िया लगी। और आप मेरे को एक बात बताओ, इस इलेक्शन वोट किसको कर रहे हो? मैं तो सर बीजेपी। अरे अभी आम आदमी बोल दो साले सुधर जा।